Can I have another mic, please? Balu? Yes, sir. और तो क्रीच में भी कैसा लग रहा है? Feeling तो mutual है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी मेरी लाइफ में आने के लिए भी माता ही लगी थी और जो मेरे को सबसे ज्यादा समझता है वो भी मेरी बहन ही है, तो औरतों के बीच में होना मेरे लिए बहुत फायदे की चीज है। थैंक यू सर। सो हेलो प्लीज यार, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आप जिस चीज की नींव रखने जा रहे हैं, यूनियन फाउंडेशन बहुत ही कमाल का फाउंडेशन है। ये एक एनजीओ है जो कि आर्टिस्ट के वेलबींग के बारे में, आर्टिस्ट के उनकी सेहत के बारे में और उनके कामकाज के बारे में भी ख्याल रखेगा। लेकिन ये जो एनजीओ की पूरी नींव जो आपने रखी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में विस्तार में हमारे तमाम लोगों को बताइए। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में आप भी एक्टर हैं, यहाँ पर काफी लोग एक्टर्स हैं और हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग 12 महीने के 12 महीने काम नहीं कर पाते और मैं तो सवाल आपको बताऊं, आप ही ने दिया है काम, मेरे मन की बात कर दी। और कभी कभी हो जाता है कि वी आर्टिस्ट वी ऑल नो वी गो थ्रू दिस फेज वेयर वी ऑल प्रिपेयर्ड बट वी डोंट हैव वर्क एंड यू नो फॉर स्पेशली फॉर दोस मोमेंट्स वेयर वी विल नीड सपोर्ट। यू नो उस टाइम आर्टिस्ट को एक सपोर्ट की जरूरत होती है। yes. हमारी सेविंग्स होती है, उन्हीं पे हम खर्चा करते रहते हैं, तो एक साइड बाय साइड आपको एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको पीआर मिलता है जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत जरूरी चीज है हमारे आर्टिस्ट के लिए। एक पीआर जाने पब्लिक हमें, तो ऐसे इवेंट्स में आने से एक पीआर भी मिलता है। तो बेसिक जो दो चीजें हैं वो ये एम्पावरमेंट है सारे आर्टिस्टों की, बेसिकली हमें काम की अपॉर्चुनिटी देंगे। इसके सिवा भी बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, अब्यूज है, राइट्स हैं। एक आर्टिस्ट के क्या राइट होते हैं, क्यों हमें 13-14 घंटे काम कराया जाएगा या किसी को मेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हम कवर करेंगे। सो सर विद ऑल द ब्लेसिंग्स आई होप। बहुत कमाल की बात है, यानी फन भी हो गई, मस्ती भी हो गई। भाई वो देखो मोहतरमा जो है पीछे बैठ गई है जाकर के, मेरा ध्यान उन्हीं पर है। देखो बिग बॉस की सारी कंटेस्टेंट जो है पीछे जाके बैठी हुई है, लेकिन भानु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास भी है और आर्टिस्ट को यू नो रोजगार भी मिलेगा, जाहिर बात है पीआर भी मिलेगा। मेरा पीआर इतना पी और यार के साथ जो मेरा कनेक्शन है आफ्टर 8 PM वो कमाल का। लेकिन जोक्स अपार्ट, यू आर डूइंग अ वेरी वेरी ग्रेट जॉब और भाई जोरदार तालियां ऐसे एक्ट के लिए। ऐसे सबकी योगदान लगेगा, तो प्लीज बी ओपन फॉर हेल्पिंग अस आल्सो। यस, थैंक यू। सो भानु प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू सो मच। अब जो जिन्हें मैं अभी यहाँ स्टेज पर बुलाना जा रहा हूँ वो एक ऐसी है कि उनसे जब मैंने बात करी तो औजार बात में मैंने एकदम चौड़ाए में पैसे मांगे, मैंने कहा पैसे लगेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं इतने तो नहीं इतने देंगे, मैंने कहा नहीं नहीं इतने लगेंगे, उन्होंने कहा ए छुकेगी नहीं साला। एनी गेसेस भैया वो फायर है, फायर और वुमेन्स एलिमिनेशन क्रिकेट लीग की एक्चुअल फायर है पुष्पा गुप्ता, जोरदार तालियां। पुष्पा फिल्म आने से पहले आई हेट टीयर्स थे, अब तो फायर है पुष्पा। That's a trend. So all these girls here have come to create that fire. Hmm. Yes. So tell us about Women's Celebrity Cricket League. Amman cricket league chun, Grindna chun sakti thi, Belan chun sakti thi, Dania chun sakti thi, ye league bhi kar sakti thi, khoko kar sakti thi, football kar sakti thi, bahut kuch kar sakti thi, sirf cricket hi kyun socha? Kafi sari cheeze kar chuki hai. Ab cricket is something I think, you know, we want all the girls to rock on the fields. It's a different platform and I guess everyone would enjoy it. All right. भाई इनकी practice कुछ हो रहा है या फिर इनको ऐसे ही बता रहा है, क्या सोच करके तुमने इनका चयन किया, चुनाव किया? They are all very very active and energetic, supportive. UNIAC Foundation is there, which is like, you know, really really requiring the support from everyone. This launch is right now looking forward to a lot of support from
every individual in the country, because this is going pan India and it's not going to stop. Wow. So was it easy to uproot girls, you know, celebrities? क्योंकि ये तो बहुत busy रहती हैं, अपना time निकाल पाएंगी या क्रिकेट? और मुझे ये बात जरूर बोलनी है कि बहुत सारी मतलब you know industry के बारे में ये I think it's a misconception that it's difficult to have actors and you know work with them, but it's not. All the girls have been extremely supportive. They've been like very very kind and you know initiative they've taken to come, and it's never been difficult for me. और इसके बावजूद भी किसी ने नखरे दिखाया तो झुके का नहीं. Thank you, Pushpa. Thank you so much for your kind words. Please have a seat. Thank you so much. भई game जो है cricket है जाहिर बात है. मैंने तो अपनी बकवालेबाजी कर ली, मस्ती कर ली, लेकिन game तो game है. Technicality के साथ खेलना पड़ेगा. तो technicalities को समझते हुए कौन है जो उसको समझे, आपको बताए कितने ओवर का मैच है, कितनी रनें किस टीम में होंगी, क्या होगा, बहुत बहुत सर्कस होती है. It's not that easy. So technical partner है अरुण तिवारी. कहाँ गए अरुण तिवारी? भाई जोरदार ट्राई अरुण के लिए. अरुण, हेलो सर. यू बीन देयर डन दैट. यस सर. मतलब बहुत सारा आप स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी इस तरह का आयोजन करते हैं, टेक्निकलिटीज देखते हैं, गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करते हैं. प्लीज इस पर रोशनी डालें, हाउ वी गोइंग टू गो अबाउट इट. सो वी वर स्क्रैचिंग आवर हेड्स over the past 2-3 months ki kitne players hone chahiye, kitni teams honi chahiye. So ultimately we thought, and my personal experience on the turf is like ki 9 players is what look good on a turf, and we can have 2 players extra substitutes. So total we have 6 teams and 66 players, so 11 players in each team, aisa hota hai. Aur fir uske baad fir humne socha ki zyada over rakhenge to fir शायद ये लोग नहीं खेल पाएंगे. मेरे का धूप सो मैच शाम को होंगे, दोबारा होंगे शाम को होंगे सीन देयर. अरे क्या बात है, कितनी खुश है सारी की सारी, क्योंकि सारे जादू तो है नहीं कि सबको धूप लगे. हां सो शाम में ही खेलेंगे. हां सो एंड इट विल बी इनिशियली वी विल हैव 5 होस्ट मैचेस एंड द टीम्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. पहले आपस में भिड़ेंगे, फिर आपस में भिड़ेंगे, फिर चुनौती देंगे सामने वाले ग्रुप को कि आओ हमसे भिड़ो. वाह क्या बात है. एंड देन जो भी दो टीम्स बचेंगे सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स. लड़कियां हैं, सेलिब्रिटी हैं, एटीट्यूड बहुत होता है, कैसे मैनेज करोगे? बेबी को जूस चाहिए, कैसे करोगे? सो बेबी पहले खेलेगी फिर जूस मिलेगा. कोई ऐसी चीज जो और तुम रोशनी डालना चाह रहे हो टेक्निकलिटीज के तौर पर? टेक्निकलिटीज तो बहुत सारी हैं. दे हैव टू सी प्रिपेयर फॉर द इनिंग्स. कुछ बताना चाहोगे? अभी देखो यहां बैठे हैं प्लेयर्स, अभी यहां पे बैठे हैं. सो बताना चाहूंगा कि हर ओवर में ऐसी चीज है जो एक सस्पेंस सरप्राइज के तौर पे आएगा, इवन फॉर द बैटिंग टीम एंड द बॉलिंग टीम. सो हम बाद में रिवील करेंगे कि उसको सस्पेंस रखा हुआ है, बिकॉज़ दैट इज द यूनिकनेस ऑफ द फॉर्मेट, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स. जैसे गली क्रिकेट में होता है या नॉर्मल टूर्नामेंट्स में होता है, तो सबका मिक्स एंड मैच करके हमने ये लीग का फॉर्मेट रेडी किया. क्या बात, कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस गर्ल्स? टेक्निकलिटीज के ऊपर में नहीं, जब जाएंगे जंग पे तो तभी पूछेंगे. अरे अभी दिल्ली बहुत दूर है. अभी सेना से हॉकी से नहीं पैसे खेलना है. चलो थैंक यू सो मच. थैंक यू. भाई जाहिर बात है इतना तामझाम है, इतने लोगों को एक साथ जोड़ना है. राष्ट्रपति साहब ने कहा था शो मस्ट गो ऑन, और शो गो ऑन तभी होगा जब कोई इन्वेस्टर होगा. और मैं तेरे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ इनको यहाँ पर स्टेज पर लाने के लिए. साई इंफ्रा एंटरटेनमेंट से हमारे जिगर शाह भाई, जोरदार तालियां सर. आपकी पर्सनैलिटी को देख करके गाना याद है, नजर के सामने जिगर के पास. प्लीज वेलकम.
ये इन्वेस्टर हैं और जाहिर बात है किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो एक प्लान से तो होती है, लेकिन अगर इन्वेस्टर ना हो तो फिर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सर प्लीज, आपका जुड़ने का तात्पर्य क्या था सर? बेसिकली मैं पुष्पा जी शिटोरी अबाउट दी एनजीओ, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे टीवी सेलेब्स और जो भी सेलेब्स है दे डू देयर बेस्ट टू एंटरटेन अस, दे एंटरटेन द एंटायर कंट्री एंड द वर्ल्ड, बट देयर आर टाइम्स व्हेन दे गो इन डिप्रेशन फॉर सम ऑफ द अदर रीजन एंड इन सच बैड टाइम्स देयर इज नोबडी हु स्टैंड्स विद देम, यू नो, तो इफ दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव तो आई रियली लाइक द इनिशिएटिव एंड जो हमें साल भर या हमारे लाइफ टाइम तक एंटरटेन करते हैं उनके पूरे टाइम में उन्हें एंटरटेन करने के लिए या उनके साथ कोई खड़े रहने के लिए अगर कोई नहीं है तो ये सोच के उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, तो व्हिच वाज रियली प्लीजिंग एंड अपीलिंग टू मी एंड दैट वाज वन ऑफ द कोर रीजंस व्हाई आई गॉट एसोसिएटेड विद दिस इवेंट। क्या बात है, और सारी इनका जो है वो एक एक टर्न भी दे रहा है पार्किंग के साथ। पार्किंग के साथ सर 3 बीएचके या 1 बीएचके? 5 और जिगर सर के साथ में जो है दो बड़ी कमाल की हस्तियां हैं हमारे साथ और मैं बहुत खुश हूँ इनको खत्म करते हुए। डॉक्टर आर पी शिर्के, ऑनरेबल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज दादरा नगर हवेली, ये हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब जो है हैज मोर देन 5000 स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सर प्लीज सर कैन यू सर जस्ट, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ब्लेसिंग अस। और साथ में है नर्मद राजपुरी, एम आई राइट? सर है प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान समाज डीएनएच एंड अ बिल्डर टू। सर कहा है सर? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, ये जोरदार तालियां हो गई। मैं प्लीज डन, ऑलराइट ऑन दैट नोट सर प्लीज प्लीज बिफोर आई टेक माय सीट आई हैव टू टेल ऑल द गर्ल्स यहां पे कोई रीटेक नहीं होगा, तो अगर आप आउट हो तो आउट ही हो अनलेस आप अंपायर को मैनेज कर दो, सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेट्स ऑल गेट गियर्ड अप, we have a wonderful event coming up and as much as I know it is unprecedented, shayad isse pehle kabhi women's celebrity cricket league nahi hua hai, so it is really a matter of proud that we all are associated with this event and I'm really looking forward to a lot of passion, enthusiasm and a lot of cat fights also. I really want to see a few cat fights on the ground, तो उसी का मजा आएगा basically. सर मैं बोलता हूँ एक नया शो बना लेते हैं सर। बिल्कुल वहीं से हम लोग शोज को कर लेंगे। And I really thank Hidden Wonders Entertainment and the associate partners for giving me the opportunity to be here and to get associated with all of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Please have a seat. लेकिन before that we आगे बढ़े, दो चीजें हैं बड़ी important जो मेरे जहन से थोड़ी इधर से उधर हो गई, वो ये कि can we play the AV for UNIAD Foundation? Please, let's. कहां कहां देख सकते हैं ओदे? ओके प्लीज लेट्स प्ले दी एवी फॉर यूनियन फाउंडेशन। एक मिनट, किसने मुझे फोन कर लिया? डन, आई एम बिजी इन सम इवेंट, आई कॉल यू लेटर, थैंक यू मैनेजर का। ओके, यूनियन फाउंडेशन जाहिर बात है आपको पता ही है कि ये क्या काम करने जा रहे हैं, एक नोबल कॉज है। इसी के साथ WCCL यानी कि वुमेन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, कैन वी हैव दी एवी प्लीज?
this is the logo of WCCL. Bhai, zordar taaliyan ho jaye. चलिए ऑन दैट नोट, अब जितनी हमारी मोहतरमा है खूबसूरत, एक तो शिफाली बग्गा हो रही है बहुत लेट, उनको पकड़नी है फ्लाइट, तो शिफाली हमारी टीम प्लेयर है, प्लीज प्लीज वेलकम शिफाली बग्गा ऑन स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने को बिग बॉस में देखा है, बहुत सारे शोज होस्ट करते हुए देखा है, दिल्ली जा रही है, भूख लगी हुई थी, मैंने कहा रुको साथ चलते हैं, कहा नहीं तुम यही रुको मैं जाऊंगी. शिफाली I am good. Mic is on or off? On, no? Okay. So please tell us your journey to get associated with Women's Celebrity Cricket League. I'm very khush. I'm very excited and glad that I'm a part of Women's Celebrity Cricket League. And they are doing a very, very good job. That I think this is inaugural season. Hai, yes. Or in association with the UniAct Foundation. Or inhone ये इनिशिएटिव लिया है पहली बार कि टैलेंट के लिए ये कुछ अच्छा करेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया. थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू एंड आई एम एक्साइटेड टू सी ऑल द गर्ल्स फैशनेबल ब्यूटीफुल बट पावरफुल गर्ल्स. चुगली हम लोग करेंगे, हम मुझे लग रहा है कि और पुष्पा ने हमें बुलाया ना, पुष्पा में तो फायर है, हम सब में भी बहुत ज्यादा फायर है. सो आई एम श्योर कि आप लगा देंगे मैदान. लवली, प्लीज हैव योर सीट. थैंक यू सो मच. कैलिया मानसी श्रीवास्तव. मानसी के हाल ही में शादी हुई है, इसके हाथों के मेहंदी का कलर भी नहीं उतरा. हम लोग साथ में थे इनके हनीमून पर. आई मीन टू से ये हफ्ते हनीमून में दुबई थी और मैं वहां इवेंट करने गया था और फिर बोला था कि देखो सच्ची बात करनी जरूरी है, क्लियर क्लियर करो, बेटर हो जाता. सच्ची नहीं है, हम दोनों इवेंट करने गए थे, हनीमून कहीं और हुआ था. चलो ठीक है, कैसा रहा? अरे हनीमून कैसा रहा? अच्छा रहा. थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू प्ले क्रिकेट विद ऑल ऑफ यू. ऑल्सो मैंने कोई स्पोर्ट नहीं खेला लाइफ में. अब जो नाराज है, इतना शादी में नहीं बुलाया किसी को तो कुछ नहीं कर सकते, है ना मानसी? इतने 1200 रुपए की प्लेट थी, 2500 की इतना महंगा हो गया है, हमारे सामानों को 250 रुपए में खिला देता हूँ मैं खाना. अच्छा, सो आवर नेक्स्ट प्लेयर इज चित्राक्षी रावत. इनको आपने चक्के में देखा है, लकी फिल्म में देखा है, उसमें तो उनको क्या आई थी. Check everybody. Hello, hello. Namaskar. अच्छा लग रहा है क्या आज? अब देखो तुमने तो ये भाई स्टेट लेवल प्लेयर, नेशनल प्लेयर, स्टेट लेवल प्लेयर. ये पहले हॉकी टीम में थी लेकिन शाहरुख खान साहब का फोन आ गया और बाद में जो है चमड़े में इनका नंबर लग गया. फिर मैंने इनसे पूछा, अभी मैंने कहा खराब नहीं लग रहा इस फील्ड में आके, अच्छा खासा कर रही थी तू, तो कहा नहीं मैं जहाँ हूँ जैसी हूँ बड़ा अच्छा. नहीं बहुत अच्छा लग रहा है और आज जो हमारी वुमेन हॉकी टीम है दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल इन कॉमनवेल्थ. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ वुमेन आर डूइंग वेरी वेल इन कॉमनवेल्थ, सो दैट इज लाइक अमेजिंग. यू नो आई थिंक इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन कॉमनवेल्थ, सो दैट्स वेरी इंप्रेसिव. मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है. क्रिकेट खेल लोगी? ऑफ कोर्स वंस अ प्लेयर ऑलवेज अ प्लेयर. क्या बात, तुम एक प्लेयर हो, कुछ टिप देना चाहोगी तुम्हारी को कंटेस्टेंट को प्लेयर्स को? टिप तो नहीं देना चाहूंगी. आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली यू नो बी एसोसिएटेड विद ऑल द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज हियर एंड आई थिंक हम लोग को बहुत मजा आएगा. मैं क्यों टिप दूंगी यार, मतलब कोचेज है हमारे पास, हम सुनेंगे, हम खेलेंगे, मजे करेंगे और क्या. थैंक यू. आई ऑल्सो ऑफ कोर्स वांट टू थैंक एवरीबॉडी टू यू नो आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस
and it is an amazing initiative, and it's amazing that you've gathered all the girls together and to be a part of course, women hockey team. Oh, sorry. Again, once a player, always a player. It's an attachment, as you can see. But yeah, of course, cricket team. And I feel sports are an amazing vehicle to, maintain your physical and mental health. And what better way to kick off with the cricket? Yeah, sir. I think that's amazing. Thank you very much. Thank you, everybody. Super. You can have your seat. Mrinal Deshraj. Where is Mrinal? Hi. जैसे ही आई थोड़ी सी ऑफ हो गई मैंने तो चेहरा पढ़ा हाँ वो सब जींस में आए क्या फिर मैंने सब कुछ बताया नहीं मैं एक दूसरा इवेंट कर रही थी ना वहां से आई मुनाल वेलकम कैसी हैं आप क्या कहना चाहेंगी विमेन सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हो रहा है आप इसका पार्ट हैं आर आई यू गुड इन बॉलिंग बैटिंग सॉरी आई नेवर प्लेड क्रिकेट इन माय लाइफ मुझे यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेनी है बट डेफिनेटली आई एम टू स्पोर्ट्स आई एम टू फिटनेस बट आई एम टू जिम आई एम टू मेनी अदर एक्टिविटीज बट नॉट क्रिकेट सो कोई टेंशन नहीं है खेल की बात है मैं फील्डिंग में बहुत अच्छा हूँ मैं सीख लेता हूँ सीख ले उसे चलो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच प्लीज सीख ले पलक वेयर इज पलक पुरस्वानी She is not here. Okay, she is busy minting money. Daily soap करती है. कोई बात नहीं. उसके लिए जोरदार ताली हो जाए. नेहा लक्ष्मी है ये. Yes. क्या बात है. Congratulations on this amazing launch. चलो मैं आऊँगी. And on the launch of Women Celebrity Cricket League, and I think it's an amazing initiative. And yeah, I think we're going to have a lot of fun on the field. It's love. Oh, it's double. So, okay. Yeah. Welcome on board. Thank you so much. Bhai, zordaar taaliyan. Neha Lakshmi ke liye. Are you busy? Is it done for us? No. Okay, our next player is Hina Panchal. थोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था यहाँ पर बलम बम्बैया बेवड़ा बेवड़ा एम आई टाइट हाइट क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा ये शो के नाम है ये सारे आइटम सॉन्ग्स हैं जो मैं मराठी तमिल तेलुगु एवरीवेयर आई हैव हर्ड सो दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव कम अप विद दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी एंड इट्स वेरी स्पोर्टी आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पोर्टी गर्ल एंड आई ऑलवेज लव फाइटिंग Yeah. I don't know, something it excites me, gives me a kick to fight, to challenge people. Wow. So when Pushpa asked me for this, it was something new, so I was like, it's something new for me to learn. I've posed a lot of time on the cricket ground and all, really? But yeah, I've not played in a real life. So it will be a good journey for me and thank you for making me a part of it. Dancing maine bahut kar liya, I hope wahan pe bhi kuch dance moves karenge, no doubt. Aur cat fight to koshish main bahut karungi. नहीं होगी तो मैं करवा दूंगा नहीं आप ट्राई करेंगे तुम लोग टाइम में जाके कर लेना तो बिग बॉस ने मुझे बहुत सिखा दिया टाइक कैट फाइट करना हां बिग बॉस में वही होता है मैं तो वहीं से निकला हूं भाई का प्रोडक्ट हूं मैं और मग्गा इसीलिए तो आई वाज हैप्पी दैट शी इज आल्सो फ्रॉम द सेम लीग है ना हां इसलिए तो इसलिए मग्गा के मुंह लगाई मैंने कहा था यहां लगा तो फिर मैं भूल जाऊं इसीलिए बिग बॉस से दूर रहना ज्यादा बेटर है एक तारीफ तो करना चाहूंगा भाई लड़की की खूबसूरती जो जाहिर बात है वो भारी खूबसूरती तो लेकिन के बाल देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत बाल हैं ये जो भी हुआ है घर से मिला है क्या बात है मैंने अलग से कुछ नहीं किया जी यहां जिस काम के लिए हम सब आए हुए हैं शामिल है आई रियली हैव टू से थैंक यू टू दिस होल टीम प्रीतम एक्ट्रेस के लिए हर किसी ने एक अलग-अलग तरीके से सोचा है इन सब ने उन एक्ट्रेस के लिए सोचा है
जो काम नहीं कर पा रही है या जिनको काम नहीं मिल रहा है? नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नहीं रहा? कैसी बातें कर रहे हो? गर्ल मैं क्योंकि गुलाब ने हाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए, किसी और के लिए हम सीखे। क्या बात है, तुम्हारा शो बड़ा कहानदार नहीं शादी के सियापे राइट आई मारे दो मिलकर बैठेगी बुराइयां करेंगी, मेरी सास की बुराई करना चाहता हूँ, ये पंजाब में तो नहीं दिखाओगे ना? नहीं बोलो पंजाब में रहते हैं। थैंक यू सो मच प्लीज आपने शो वारिस में देखा था क्या बात है अल्लाह जी सरदन सही किया ना मैंने लालवानी नॉट वर्मा वर्मा आल्सो यस बट ये बहुत सारी चीजों में एक्टिविटी बहुत सारी चीजों में है आपकी और मैं उसको सुन रहा था ग्रीन रूम में जी मैं एक्चुअली स्कूल के टाइम से स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ स्कूल कैप्टन रह चुकी हूँ स्पोर्ट्स टीम की हॉकी फुटबॉल थ्रो बॉल ये हाइट जो मेरी है वो स्पोर्ट्स की वजह से ही मुझे मेरे पेरेंट्स दोनों छोटे हैं लेकिन मैं लंबी हो गई ओनली बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स अभी भी मैं स्पोर्ट्स खेलना सो हाँ स्पोर्ट्स हैज बीन अ पार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड और ऑफ कोर्स देन एक्टिंग एंड अभी ऐसे लगता है कि लाइफ इज टेकिंग अ कंप्लीट सर्कल फ्रॉम स्पोर्ट्स इनटू एक्टिंग एंड नाउ बैक इनटू स्पोर्ट्स सो या लवली लवली गाइस जोर लगा ताली आई लव डांसिंग रियली वन ऑफ माय डांसिंग पार्टनर इज आल्सो हियर जिनसे आप मिलोगे सो हां जब भी जाके पार्टी तो लगाने की जरूरत क्या थी कहां है वो है कोई इंट्रोड्यूस मत करवाना लड़की है क्या लड़की हां वरना तो अरे क्या हाय कहो जोरदार तालियां ये अपना टीवी शो छोड़ के आई है खास मैं बस ये सोच रही थी मुझे देख के क्या तकलीफ लेके गया क्योंकि जब से वहां बैठी हूँ हंस हंस के पागल चलिए अच्छी बात है इसके बाद कॉफी पे चलते हैं मन की बातें करेंगे मन हल्का होगा पूरी आप और मैं पूरी टाइम कॉफी करेंगे क्योंकि टेक्निकलिटी तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं लेकिन शायद आप सिखा देंगे मैं तो ऐसा है मतलब मेरी जर्नी में साथ आ गया और बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन पर मेरे पीछे कई और तो कहा था सो क्रिकेट और आप तुम क्या लगता है कर पाओगी क्यों नहीं वी वुमन हम कितनी सारी चीजें करते हैं यार ये भी कर लेंगे चलो लव यू ब्लैक टू भाई जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू सो मच प्लीज हैव अ सीट कैन आई कॉल जसवीर जसदीर कौर Pali Hill, J.D. Anupama, what is this? What are these lines? Like, Jasbir ke zordar taali hai. Thank you. Main bata raha hu, jab main rehta Mumbai aaya tha, main Char Bangla Manish Market ke paas rehta tha, wahan par Jasbir aati thi gurudware mein, inko main taala karta tha, aur taarta hai, inhone kisi aur ko taala shaadi kar li. Kasam se bahut rona aa chuka hu. क्रिकेट के साथ क्या कनेक्शन है I don't know if I can take a brand name, but हम खेल चुके हैं। Of course, softball था यहाँ पे और
proper ball se yes fun nahi hai but it's really fun because kya kya bhai sahab ghar se bolte kaun bachcha ho raha tha table hai ki kuch aur to nahi shuru ho gaya bol raha hai so yeah cricket game पता है और इतना भी पता है कि this is for fun नहीं बात नहीं करना भैया अरे वीडियो तो बोल नहीं सकते हम तो पता नहीं तुम्हारे तो सो यार क्रिकेट खेल चुके हैं पहले एंड इतना पता है कि प्रेशर में नहीं है बिकॉज़ पूरा इंडिया नहीं देख रहा है यस यू नो सो इट्स अ फन गेम एंड जहां लेडीज हो ट्रस्ट मी कैट फाइट्स आई एम सॉरी नहीं होगा क्या बात कर रही है तो अरे ये तो तुमने अच्छी वाली बात अंदर की बात है जितनी सेंसिबल गर्ल्स होती है उप्स सो यार आई एम नॉट बीइंग बायस्ड बट आई हैव गाय फ्रेंड्स आल्सो एंड girlfriends also but girlfriends are amazing really? because ye khel bhi rahenge inme junoon hoga ki wo jo field mein hai there are no friends because humko jeetna hai which is for my team our team wo ek alag cheez hai uske alawa har koi I promise you har koi ek saath baith kar वहाँ पे आप चाय पिएगा फ्री टच नहीं होंगे because nobody cares how they look when they are on it ये मैं एक्चुअली आपसे बोल सकती हूँ चल झूठी है सच बताओ कैसे बताओ चलो बहुत थोड़ा तो फील ही नहीं लगता है ना यस यस जरूर थैंक यू सो मच भाई दोनों ताली हो जाए अपनी हंसी के लिए प्लीज टेक अ सीट श्रुति पवार इज नॉट विद अस शी शूटिंग मीटिंग में कोई बात नहीं लीना जुआई थैंक यू लीना पहले लंच कर ले डोंट वरी अबाउट मैंने तुमसे माशाल्लाह अपना बड़ा अच्छा कंटेंट किया लेकिन कुछ ज्यादा ही कंटेंट कर लिया आई एम ब्लेस्ड यू नो लोग पानी पी के मोटे होते हैं मैं पिज्जा खा के पतली रहती हूं क्या बात है यार सुपर गर्ल तो बता दो यार फिर दो तरह की लड़कियों को कैसे मेंटेन किया जाता है यार दैट्स व्हाट आई सेड आई एम ब्लेस्ड आई डोंट डू एनीथिंग पर कुछ उसका टिप दे रही हो खराब किसी और करना हो तो नहीं वो खराब ना नहीं करना आता बस मैं इतना कहूंगी कि मैं क्रिकेट एंजॉय करूंगी खेलूंगी इस कॉज के लिए मैं खुश हूँ और दैट्स इट कोई कैफे टाइप का दिमाग में नहीं आई जस्ट एंजॉय बीइंग पीसफुल एंड हैप्पी दैट्स इट वो आईडिया कैसा लगा चेयर लीडर्स का मतलब लड़के नाचे नहीं ओह आई कैन इमेजिन नाइस चक्का लगा चक्का आप भी बैठ करके नाचने लगे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज हमारी ये हमारी टीम है हमारे करता धरता भी सब यहाँ पर है मैं भी वहीं कॉर्नर में बैठूंगा पूछना तो हाउस इज ओपन फॉर क्यू एन ए थैंक यू सो मच एनीवन फ्रॉम द मीडिया हाउस वांट टू आस्क एनीथिंग हाँ जी माइक लगा लो आगे माइक लगाइए आगे प्लीज इतना लंबा वायर कैसे पहुंचेगा भाई माइक तुम आगे पर्सनल माइक नहीं नहीं ऐसे आगे आ होता है जिसमें मिक्स खेलते हैं सो दिस इज
स्पेशली फॉर वुमेन एंड हम लोग ये सोचते हैं कि औरतों में ताकत नहीं होती है, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं बिकॉज आई फॉलो वुमेन्स क्रिकेट, सो जब शेफाली वर्मा सिक्स मारती है, स्मृति मंदाना सिक्स मारती है, दैट इज अ डिफरेंट केस फॉर वुमेन एंड वी आर डूइंग वेल एट सीडब्ल्यूसी एज वेल, सो वी आर कॉन्फिडेंट फॉर डब्ल्यूसीसी. And I have a question for you. There is one next lady sitting next to you. We all know she is a superstar in cricket. She is going to do, she'll be on the form box or she is going to play? She'll be playing. क्योंकि हमने काफी देखा है कॉम बॉक्स में उनको, बट क्रिकेट खेलते हुए कॉम बॉक्स में लाइक एक बार ट्विस्ट होगा उनको खेलने के लिए, वो ट्विस्ट किस तरह से देखने मिलेगा हमारे दर्शकों को बताइए जरा. इस बार जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो भी पर्दे पे आके क्रिकेट खेलने वाले हैं. सर आप क्या कहना चाहोगे इस वीक के बारे में? वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्रिकेट टूर्नामेंट. आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग. वी विल हैव सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस प्लेइंग अराउंड और बहुत मजा आएगा. एंड वो तीन दिन जो होंगे अक्टूबर महीने में 16, 17, 18, इट इज गोइंग टू बी लाइक रियली फनफिल्ड टूर्नामेंट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट. And also, ये जो एक एनजीओ का लॉन्च हुआ है, it is for the celebrities and I really wish good luck to them for the years to come. And I hope कि ये बहुत अच्छे से चले और जितने लोग इसके अंदर जुड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा, that will be better for the NGO and for the industry. एक सीजन में कितने मैचेस रखे गए? इस सीजन में 15 मैचेस. एक सीजन कितने ड्यूरेशन का रहेगा? ये तीन दिन का है इवेंट, जिसमें 15 मैचेस होंगे. पहले दिन पे 6 मैचेस, दूसरे पे 6 और लास्ट में 3. और मेल्स के लिए कोई चांस है? नहीं सर, प्योर खेल सर. आइए तुसी क्या होते मेल्स के लिए चांस होगा कि आप बाहर बैठ के सबको चीयर कर सकते हो. पुष्पा जी आपसे एक सवाल है. मैं जी पुष्पा जी आपसे सवाल ये है कि एनजीओ भी साथ में आपको लेकर आ रही है और ये मैचेस भी होने वाले हैं, तो क्या ऐसा कुछ होगा जो कुछ इससे अर्निंग आएगी वो आप एनजीओ के थ्रू सपोर्ट में लगाएंगे एक्टर्स के या जो भी वेलबींग के लिए, ऐसा कुछ है? अच्छा that this is made available and you know they come and join us. Har kisi ko contact karna thoda sa mushkil hota hai, but this is a platform we are creating where we can create this awareness from one event. So that is the idea. It's a starting point right now. Yeah. See how big it goes. Yeah, my question is like, you know, I heard lot of them never took a bat in the hand. And it's difficult to how they will be playing or kya, what is your strategy for training? Sorry them? Sir. Just let me know like how they will be preparing themselves. We have coaches. We'll be having practice sessions for the main match. So they will be getting prepared. घर जाते हैं तो खाना मार के आते हैं, अच्छा होता है. अब देखिए क्रिकेट सर जब ओरिजिनल फोटो के हाथ में आएगा तो फिर वो क्रिकेट मिलेगा. और एक सवाल है उनके लिए, जो ग्राउंड होगा 4 और 6 ने अभी इन्होंने बात की, मंदाना एंड ऑल एफ सिक्सेस मारे हैं, इनके लिए 6 क्या बाउंड्री रहेगी? आपने कभी टर्फ देखा हुआ है? सो जितनी लेंथ होती उतनी ही. ओके तो कन्वेंस ये मारेंगे. तो वो पावर हमें देखने मिलेगा. सर लेकिन एक वुमन में कहावत है, अगर जब तक कैट फाइट नहीं होगा तब तक यू नो आप अपने आप को कैसे प्रूफ कर पाओगे? कौन सी कहावत? सारी सोसाइटी coming up with a different perspective of the issues what people think, you know.
वो सोचते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, सो कहीं ना कहीं हम वो उनको दिखाना चाहेंगे। कोचिस की बात करें, किस तरह की कोचिस देखने मिलेंगे, क्या हमें कोच कबीर खान जैसा कोई कोच देखने मिलेगा? शाहरुख साहब से बात हो रही है, जैसी हाँ रहेंगे हम उनके लिए इस तरह के टेक्निकली सॉलिड होंगे, दिखने में कैसे होंगे ये मैं नहीं आपको, नॉलेज पूरी होगी, वो सिखा अच्छा नहीं, वो टीचर अच्छे घर वालों से क्या सपोर्ट मिली है आपके हस्बैंड की, आपके मॉम डैड की, कितनी सपोर्ट मिली जब आपने पहले बताया उनको कि वी आर डूइंग दिस इको होगा, वो बंद कर दो, उसको हटा दो, उसको निकाली दो, उसको निकाली दो, उसको निकाली दो, निकालो, अरे निकाली दो, म्यूट कर दिया ना, म्यूट कर दिया, मेरा भी म्यूट करना है, हमने खुद डिसीजन लिया है कि हम ये करेंगे एंड आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी नो कैट फाइट, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ गुड I think it's a good competition and we get to learn from each other and from the coaches, of course. एक बड़ा सवाल सभी वो खिलाड़े से, क्या अपने आप अपने अपने मेकअप आर्टिस्ट को साथ में लाओगे? खूबसूरत खूबसूरती को साथ में खेलने देखा तो वो अगर वो मिस करेंगे तो कैसे होगा? अगर आपको हम सबको खूबसूरती में देखना है तो आप वैसे देख लेना, अगर आप सब मैच को खूबसूरती से देखना चाहते हो तो मेकअप की उम्मीद मत करो, दोनों I can see the woman empowerment together now itself. खिलाड़ी का तो नहीं पता, अगर एक लड़की की आप बात कर सकते हो, मेरे पास इतनी लड़कियां हैं, आप देखते देखते थक जाएंगी, बस लड़कियां खेलते खेलते परफॉर्मेंस देखते देखते नहीं थकेंगी। तो शी इज वन ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम आई सपोज। सारी लेडीज से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से किस तरह की तैयारियां होगी, अगर एक एक करके मुझे बताया, और अगर आप लोगों की कोई मेमोरीज है बचपन की जब आप लोगों ने क्रिकेट खेला हो, अगर शेयर करना चाहे कुछ हमारे ऑडियंस से। आप जरा सेंटर में जी मैम, आप ही बोल रहे हो खाली, तो और कोई बोल नहीं रहा, आप जाइए, आप जाइए सेंटर में जी। ऐसा लग रहा है कुछ और टीचर क्या रहे ये आप लोग एक टीम का खिलाड़ी है क्या? नहीं नहीं अलग अलग। आई थिंक यहाँ पे जितनी भी हमारी लड़कियाँ काफ़ी एक्टिव हैं, सब किसी ना किसी ने स्पोर्ट्स किसी भी तरीके का खेला है, सो आई एम श्योर कि हम लोग जब जाएंगे एक्चुअली मैच खेलने, हमारे कोचेज बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो हमको उतना टाइम मिलेगा कि हम लोग प्रेप करें, तो आई थिंक अच्छा ही होगा सब कुछ बड़े। आई थिंक एवरीबॉडी इज फिट, एवरीबॉडी इज स्ट्रांग एंड आई थिंक वेरी अडैप्टेबल आल्सो यार, मतलब कुछ भी तो कर लेंगे, राइट, दैट इज एन एटीट्यूड टू अडैप्ट एवरीथिंग आई थिंक।
और मैंने तो स्पोर्ट्स किया है, पोस्ट किया है, तो आई नो मेरा सवाल हीना जी और शफली जी से है. हमने देखा है बिग बॉस के घर पे, मराठी बिग बॉस है, नॉर्मल बिग बॉस के घर पे कैट फाइट होती है, तो इसमें भी स्लेजिंग कैट फाइट कुछ होगी आप दोनों की तरफ से? ना ना गेम में होते हैं. अरे यार ये सवाल तीन बार पूछ रहे हो, ये अलग बात है. सवाल तीन बार पूछ रहे हो यार, इनको ना सुनो ना. तो जब आप चैलेंज लेते हो वो चैलेंज को पूरा, बिकॉज आपको जीतने का हमेशा एक एक जुनून होता है इंसान के अंदर, मैं उस हिसाब से और कॉम्पिटिशन के हिसाब से. बट एज अ गर्ल्स वी ऑल आर, वी नो वॉट वी आर. और हर एक का एक एक स्वभाव नहीं होता, जबकि उसको उसका जीतने का तरीका अलग है, मेरा जीतने का अलग तरीका है. मेरा आई एम एग्रेसिव व्हेन आई एम डूइंग माय वर्क, शी माइट बी कामर, शी माइट बी स्मार्टर, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट जॉनर. सो इट्स नॉट गोना बी कैट फाइट बाल में उछलने में बैठे हम लोग और किसी का. हम कैट फाइट उसको बोलते हैं, आंखों से होता है ना, तू अब देख तेरी, मतलब क्रिकेट में लड़के अग्रेशन करे दैट इज अग्रेशन, बट गर्ल्स का अग्रेशन इज कैट फाइट. व्हाई ये कैट फाइट है ना, और ना दे दिया लड़कियों को कैट फाइट, लड़के लोग कम से ज्यादा करते हैं. लेकिन हमारे बल्ले के साथ और हमारे बॉल के साथ हम सब फाइट करेंगे, बट एक दूसरे के साथ नहीं. हमारे बल्ले के साथ और हमारे बिग बॉस का घर था ये टर्फ, तो हम लोगों को सिर्फ बॉडी से खेलना है. चलो कैट फाइट के अलावा कुछ और, मतलब लड़की आई नहीं कि कैट फाइट कैट फाइट कैट फाइट. There is a lot more that we can talk about apart from the cat. आप मैं पूछ रहा हूँ आपको एक मिनट, फेवरेट कोई क्रिकेटर हो अगर शेयर करना चाहे विराट कोहली, विराट कोहली मजा आ रहा है शिवाजी, ऑब्वियसली दे आर डूइंग ग्रेट. और अभी तो अभी थोड़ी देर में मैच स्टार्ट भी होने वाला है, कॉमनवेल्थ का स्टार्ट होने वाला है, सो बर्मिंघम में लेट्स सी. आई एम होपिंग कि सेमीफाइनल वन में लोग जीते और सीधा फाइनल में पहुंचे, मजा आने वाला है, वी आर वेटिंग फॉर इट. तो क्रिकेट में हर किसी का मैं यही कहना चाहूंगी कि यस ऑल द बेस्ट जो हमारी टीम अभी खेलने वाली है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ट्रेनिंग जो हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है सबसे. आप लोग कौन सा बॉल से खेलना चाहोगे, सीजन बॉल से खेलना चाहोगे, टेनिस बॉल से? मेरा सवाल है जब आप मैच खेलते रहे आपने यू आर प्लेड एंड यू आर नॉट आउट, सो मैंने आउट ही प्लेयर्स आगे मतलब प्लीज प्लीज जॉइन अस, प्लीज थोड़ा तालियां हो जाए इनके लिए, ये थोड़ा लेट आएंगे, देवर की टीम नहीं पैसे से बता देती नीचे से, प्लीज आओ जॉइन द गैंग. मैडम बैठे बैठे माइंड योर माइंड द वायरस. सॉरी क्वेश्चन इज लाइक अगर फील्ड में आप खेल रहे हो और आप आउट नहीं हो और अंपायर ने आउट दे दिया तो क्या? तो लड़ेंगे, बात आ गई. देखो गेम गेम है, तो वही आप फाइट किससे करोगे, अंपायर से करोगे? ऑब्वियसली अंपायर से करेंगे. जो डिसीजन आप हो सकती है कि उनको ये वाला एंगल है और वो वाला राइट प्रोफाइल है लेफ्ट प्रोफाइल, आप कहां फाइट हो सकती है बॉल को तो वो हेड ऑफ लॉस. सो या डीआरएस को पर किससे फाइट करोगी? डीआरएस को पर किससे फाइट करोगी? डीआरएस है, डीआरएस नहीं है. आपने बैट बहुत से लोगों ने खेला ही नहीं तो अभी ना टेक्निकल इट्स जस्ट अ फन ऐसा नहीं. बट और एक सवाल था मेरा कि आप अपने जब भी सब्स्टिट्यूट रनर रखोगे कि आप खुद भागोगे? क्रिकेट की बात करें अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है, आप सबने कितने कितने मैचेस देखे? अभी शुरू करेंगे कॉमनवेल्थ देख रहे
अभी आप यू आर वॉचिंग कॉमन मैच अभी देखोगे ना, अभी आप देखोगे ना मैच। हाँ जी सर, हाँ मेरा एक सवाल, एक सवाल आप लोगों से ये है कि क्रिकेट में बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, ऑफकोर्स एक पूरी टीम खेलने वाली है, तो आप में से कुछ क्या कैप्टन है या कुछ बैटिंग में ज्यादा बेहतर है या बॉलिंग में, अगर आप बता सकते आप लोग अभी अभी जस्ट आए हैं, पहले तो आपका हैप्पी बर्थडे था, सीधा आप आए शीट में काफी एंजॉय, क्या कहना चाहोगे टूर्नामेंट होने वाला है वुमेन क्रिकेट लीग का? ऑनेस्टली मैं क्रिकेट खेलती हूँ। ओह वाओ, आई एम एक्साइटेड कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स वी सो मेनी ब्यूटीफुल वुमेन अराउंड, सो आई एम बोलर इज बेटर। एंड पलक, व्हाट डू वांट टू से? आई आल्सो प्ले क्रिकेट, आई थिंक हम लोग फार्म पे जाते हैं, वी बोथ प्ले क्रिकेट, एंड आई थिंक आई एम प्रीटी गुड विद बैटिंग एंड ऑल, बट या वुमेन एम्पावरमेंट, या लाइक वुमेन पावर इज देयर, द मेजॉरिटी इज हियर, आई थिंक इट्स द बेस्ट फीलिंग, लाइक शी सेड प्लेइंग क्रिकेट विद प्रीटी वुमेन, आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मैम, माय क्वेश्चन इज फॉर यू, रिसेंटली देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप फॉर द पारस एंड देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स आउट, वुड यू लाइक टू से समथिंग, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट? आई डोंट नो इफ आई कैन गो पर्सनल हियर, बट दो महीने से मैंने शूटिंग की नहीं है, सेट के ऊपर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है, आई डोंट नो, पूरा आज ही पूछ ले, बाकी भी मैं कर ले, हां पूछा करना। Yeah, from we all the media and from men to you beautiful woman, we all give all the best to you. Hi. Hi. Oh, thank you so much. Thank you so much. All that too, I would like to thanks. Photo shoot to hoga hi, zahir baat hai, lekin special thanks to the Film Royal Entertainment for the creative supervision for the event and production, the entire team.